नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में और मैं हूं रमेश सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन की ऑल सेटिंग्स की जानकारी देने वाला हूं। सो अगर आप वेयर इज माई ट्रेन ऐप का यूज़ करते हैं और इसकी सभी सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही होंगे, वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन एक यूनिक ट्रेन ऐप है जो यूज़र्स को लाइव ट्रेन स्टेटस शो करती है और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल यूज़र्स ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कई यूज़र्स हैं जो वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन के सभी फीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन में कौन कौन सी सेटिंग्स और फीचर्स मिलते हैं और उन्हें किस तरह से वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी वेयर इज माई ट्रेन ऐप की सभी सेटिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन ओपन करने पर जो सबसे पहले इंटरफेस ओपन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप स्पोर्ट सेक्शन में दो तीन तरीकों से किसी भी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रॉम स्टेशन ऑप्शन में उस रेलवे स्टेशन का नाम डाल सकते हैं जहां से आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, और टू स्टेशन ऑप्शन में उस स्टेशन का नाम डाल सकते हैं जहां पर आपको जाना है। इसके बाद फाइंड ट्रेन्स ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने आपने जो भी डेस्टिनेशन चूज़ किया है उससे रिलेटेड अलग अलग ट्रेन्स और उनकी टाइमिंग की एक लिस्ट आ जाएगी। तो गाइस, इनमें से आप किसी भी ट्रेन पर क्लिक करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, और टॉप साइड में ऑल डेट्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप यहां पर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर टुडे ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप आज के दिन जाने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी ले सकते हैं, और टुमारो ऑप्शन पर क्लिक करके आने वाले कल में जाने वाली सभी ट्रेन्स का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही चूज़ फ्रॉम कैलेंडर ऑप्शन को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से एक कैलेंडर ओपन होगा। तो यहाँ से आप आगे आने वाली किसी भी डेट को सेलेक्ट करके अपने रूट की सभी ट्रेन्स की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप टॉप साइड में ये सेकेंड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अपनी ट्रेन कोच की क्लास के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर जिस भी क्लास को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सभी ट्रेन्स और उनके टिकट प्राइस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप ट्रेन नंबर या फिर ट्रेन नेम से भी किसी भी ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जैसी किसी ट्रेन का नाम या फिर ट्रेन नंबर एंटर करेंगे, इस तरह से आपके सामने उससे रिलेटेड ट्रेन्स की लिस्ट आ जाएगी। तो गाइज, इनमें किसी भी ट्रेन पर क्लिक करके आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, कितने स्टेशन उसने क्रॉस कर लिए हैं और अभी वो ट्रेन कहाँ पर है और आगे कौन कौन से स्टेशन में वो किस किस टाइम पर पहुँच सकती है। ये पूरा स्टेटस आप पर्टिकुलर उस ट्रेन का चेक कर सकते हैं, और रिफ्रेश के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं और ट्रेन का करंट स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप यहां पर स्टेशन कोड या फिर नेम से भी किसी भी ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेशन कोड या फिर स्टेशन नेम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, वहां से चलने वाली सभी ट्रेन्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो गाइस, यहां पर आप ट्रेन नेम, उसकी टाइमिंग, प्लेटफॉर्म और डेस्टिनेशन की लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा लोकल और नॉन लोकल ट्रेन का फिल्टर भी आप यहाँ पर लगाकर चेक कर सकते हैं। अब तक जितनी भी ट्रेन्स को आपने सर्च किया है उसकी सर्च हिस्ट्री को आप स्पोर्ट टैब के बॉटम साइड में देख सकते हैं। स्पोर्ट टैब के बाद यहाँ पर नेक्स्ट टैब है PNR। तो गाइस, PNR टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने PNR नंबर सर्च करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप अपना PNR नंबर एंटर करके अपनी सीट की कन्फर्मेशन देख सकते हैं। PNR नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही आप फाइंड PNR स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके PNR नंबर का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। यहां पर आप योर टिकट्स ऑन गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी गूगल पर अपनी टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। PNR के बाद यहां पर नेक्स्ट टैब है टिकट्स। तो गाइस, इस टैब पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने टिकट बुक करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप अपना ओरिजिन और डेस्टिनेशन एंटर करके टिकट की जानकारी ले सकते हैं। जर्नी डेट सेलेक्ट करके और अपना जो कोटा है उसको सेलेक्ट करके अपने टिकट की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही बुक टिकट ऑन गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने टिकट्स की अवेलेबिलिटी गूगल पर चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको अलग अलग ट्रेन्स और उनकी टाइमिंग के साथ साथ टिकट प्राइस की लिस्ट भी शो हो जाएगी, तो इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप की बेसिक जानकारी, आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एप्लीकेशन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आप टॉप साइड में ये 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड रहती है, जिससे कि इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होता है वो इंग्लिश में शो होता है। लेकिन यहाँ से आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप हिंदी को सिलेक्ट करते हैं तो सभी ऑप्शंस आपको हिंदी में शो होने स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर वापस इंग्लिश पर ही सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज के बाद क्लियर रिसेंट सर्चेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, और रिपोर्ट इशू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी तरह के इशू के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। इस ऐप को यूज़ करते हुए अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर राइट अ मैसेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं और वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप के हेल्प सेंटर में सेंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी सेटिंग्स पेज में पहुँच सकते हैं और वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप की सभी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे सेटिंग्स के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले बाकी सभी फीचर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये 3 लाइंस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और फीचर्स की एक लिस्ट आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर अपडेट टाइम टेबल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप न्यू शेड्यूल को चेक कर सकते हैं, टाइम टेबल को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी आप लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके कोई दूसरी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके सेटिंग्स पेज में पहुँच सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर ऐप। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को अलग अलग सोशल साइट्स पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे इस ऐप को डाउनलोड करवा सकते हैं। इसके बाद रेट अस ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर में जाकर वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप को अपनी रेटिंग दे सकते हैं, और रिपोर्ट बग ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से भी किसी इशू के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम वेयर इज़ माई ट्रेन को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद सजेस्ट अ फीचर ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी फीचर की सजेशन वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप को सेंड कर सकते हैं या फिर किसी भी फीचर में कुछ भी एडिशन करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इन्वाइट फ्रेंड्स। तो गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने फ्रेंड्स को वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप को ज्वाइन करने की इनविटेशन भेज सकते हैं। इसके बाद शेयर इन व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ऑप्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर इस एप्लीकेशन का लिंक अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं और उनसे डाउनलोड करने को कह सकते हैं। तो दोस्तों वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप के बाकी सभी फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों सेटिंग्स ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप की सभी अलग अलग सेटिंग्स आ जाएंगी। तो गाइज यहाँ पर पर्सनल सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लैंग्वेज, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप यहाँ से वेयर इज़ माई ऐप की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है टाइम सेटिंग्स। तो गाइज ये ऑप्शन भी बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि इस एप्लीकेशन में आपको टाइम फॉर्मेट 12 आवर के अकॉर्डिंग शो करता है, यानी कि AM और PM के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रेन का टाइम आपको शो करेगा। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो टाइम फॉर्मेट आपको 24 आवर्स के अकॉर्डिंग शो होगा। इसलिए अगर आपको 12 आवर के अकॉर्डिंग टाइम सेट करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आर यू इनसाइड ट्रेन ऑप्शन। तो गाइज ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि अगर आप ट्रेन के अंदर है तो आपकी जो रियल टाइम लोकेशन है वो आपको बराबर शो होती रहती है, वो भी बिना किसी नेटवर्क के। इसके बाद दोस्तों स्पोर्ट सेटिंग सेक्शन में आप स्पोर्ट नोटिफिकेशंस का ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि आपको आपकी ट्रेन की हर एक स्पोर्ट नोटिफिकेशंस रियल टाइम पर मिलती रहती है। ट्रेन अभी किस स्टेशन पर है या फिर किस लोकेशन में है, इसकी नोटिफिकेशन आपको इस ऐप के थ्रू बराबर मिलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप स्पीडोमीटर बीटा का ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, और इससे होगा ये कि जब भी आप ट्रेन में सफ़र करेंगे और इस एप्लीकेशन में अपनी ट्रेन का स्टेटस ओपन करेंगे तो
मोबाइल स्क्रीन के टॉप साइड में आपको एक स्पीडोमीटर शो होगा, जिसमें आप अपनी ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है उसे देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके मोबाइल में GPS ऑन होना चाहिए, तभी आप स्पीडोमीटर के थ्रू ट्रेन की स्पीड देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, अलार्म टोन। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप वेयर इज माई ट्रेन ऐप की नोटिफिकेशन टोन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सिस्टम की अलग अलग टोन्स की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो गाइज इनमें से आप किसी को भी नोटिफिकेशन टोन के तौर पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट सेक्शन है यहाँ पर अबाउट। तो इसमें टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शन पर क्लिक करके आप वेयर इज माई ट्रेन ऐप की टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी को देख सकते हैं, ओपन सोर्स लाइसेंस देख सकते हैं और इस एप्लीकेशन का जो वर्जन है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों वेयर इज माई ट्रेन ऐप की सभी सेटिंग्स और फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।